ये पीछे बिल्कुल जंगल है, पीछे सारा ही जंगल है, सिर्फ आगे आगे घर है। और ये इस तरह सिमट की बनाई हुई है। इन यंग पालिंग तंग ना या ये देख ले ये देख ले, जूता टूट गया इसका ना, वही कैंची जुत्ती वाला सीन है जो पाकिस्तान वाला है। ये देख ले, ये देख ले इनका स्टाइल, देख ले बालों का। Untuk mandi atau minum bisa itu? Ini keperluannya macam-macam. Minum bisa? Untuk minum, mandi. इस तरह जो पहले घर होते थे, इस तरह ऊपर स्टाइल होता था, वो जो ऐसे फूल दो बने हुए, पहले जो पहले पहले इस तरह के घर होते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम है आपका आज के नए व्लॉग में। मेरा नाम शाद खान है। आज की वीडियो में मैं आपको इंडोनेशिया का एक गांव दिखाऊंगा जो बिल्कुल जंगल में है। आपने देखा ही होगा ड्रोन से जो है क्या सीन है यहाँ पे, बिल्कुल जंगल पे सुनसान जगह में है और बहुत प्यारा गाँव है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इस तरह ये शुरू होता है गाँव, इस तरफ स्कूल है, उधर दो तीन घर हैं, यहाँ से गाँव शुरू होता है। इन्हीं तो आयर Pak. Ini pipa untuk air? Air bersih. Dari mana itu? Dari gunung. Dari gunung? Iya. Kalau dari gunung itu kan habis air ya? Enggak. Jalan terus? Iya. Ye sare pipe jo udar upar pahad hai, udar se pani lana sara jo is gaon ke liye pani ke liye, ye sare pipe jo upar pahadon se aayega pani, saaf pani nahane ke liye, peene ke liye, kapde vagaira dhone ke liye। ये इस तरह बिल्कुल सुनसान सी जगह में जंगल में गांव है। मछली लेके आए हैं काफी। फाइन ये देख लें, ये पहाड़ों में जो है पाइप लगाएंगे, पानी आएगा पहाड़ों से साफ घर में नहाने वगैरह के लिए। उनको मंदी है तो मीनू बिसा है तो इन keperluannya macam-macam। मीनू बिसा मीनू मंदी या untuk cuci baju ya। Kalau belum ada itu tuh apa yang cuci dulu tuh? Kalau belum ini tuh kan baru. Dulu kan cuci itu pakai air apa? Air anu ini. Sungai situ. Iya, air kali. Ya. Iya dek len chotu. Chotu dek len. Tarbuz kha raha hai. Hui, dada. Dada dan dada. Dada. Ya. Ye aunty baithi hui hai. Ye gaon ki dukaan hai motorcycle repairing ki। ये देख लें इनका स्टाइल, देख लें बालों का।
ये इस तरह के होते हैं यहाँ पे बाइकें, ये देख लें इसका कोई भी शाख ही नहीं है, इसके नीचे सिर्फ एक शाख है वो अंदर लगा हुआ है, एक ही शाख है सिर्फ वो नीचे लगा हुआ है। और ये है इसका दो है, जो पहले होती थी उनके दो होते थे, जो नहीं है उनका एक ही होता है। ये दुकान है गांव की देख लें, हर गांव में चेयरमैन का एक दफ्तर होता है उस तरह ये है। ये जितने भी ज्यादातर दरख्त हैं यहाँ पे सारे फल वाले हैं। ये दुकान है गांव की, पीछे सारा सुनसान है, जंगल है बिल्कुल पीछे। ये भी फल है बांधा हुआ है कपड़े के साथ, ये भी फल का पौधा है। हर जितने भी पौधे हैं यहाँ पर सारे फल के हैं। ये भी फल का पौधा, ये देखें ये फल है, बिल्कुल जमीन के साथ है, यहाँ पे कोई चोरी वगैरह का सीन नहीं। ये मैं ही एक उतारने लगा हूँ। शांति बहुत है यहाँ पर, बंदा ही कोई नहीं नजर आ रहा। हर तरफ शांति का माहौल है और दुकानें हर जगह पे मिल जाएंगी। ये देखे दुकानें, थोड़े से कदम चलो दुकान होती है, खाने पीने की हर चीज मिल जाती है यहाँ पे। ये देखे शेर बैठे हुए हैं यहाँ पे, शहजादे। घर देख लें पीछे लकड़ी का, इसी तरह वो उधर भी लकड़ी का है, इधर भी। ये आंटियाँ कर रही हैं, इनकी सेटिंग वेटिंग कर रही हैं, इस तरह का कुछ फाला आंटियाँ देख लें। और देखें एक आंटी उधर है या। कैसे ये फल का दरख्त है, लेकिन ये फल बहुत खतरनाक है, कांटे होते हैं इसके ऊपर और काफ़ी बड़े हो जाते हैं, अगर ये गिर जाए किसी के सर में तो बंदा गया। इस तरह होता है ये फल, ये देखें वो छोटा सा पड़ा हुआ है, अगर ये गिर जाए तो बंदा गया, बहुत खतरनाक होता है। ये तो बिल्कुल छोटा है, ये देखें ये बिल्कुल छोटा है, ऐसे गिर गया हुआ, ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, दो दो किलो के, पाँच पाँच किलो के। और ये इस तरह कांटे होते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर पहले ज़माने के हर घर जो लकड़ी का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी बहुत ज़्यादा जंगलात है, ईंटें नहीं बनती, सारा साल बारिश रहती है, इस वजह से सारे घर जो लकड़ी के हैं। ये पीछे बिल्कुल जंगल है, पीछे सारा ही जंगल है, सिर्फ आगे आगे घर है। और ये इस तरह सीमट की बनाई हुई है, ये इसी तरह सीमट की थोड़ी सी बनी हुई है सड़क, इधर भी घर है, इधर भी पीछे जंगल है बिल्कुल। और गाड़ी वगैरह नहीं आती, गाड़ी बिल्कुल छोटी आती है। पीछे पुल है वो बांध रहा है, बिल्कुल छोटा सा है लकड़ी का बना हुआ, जहाँ से गुजर के आए हैं हम। ये जो पहले जमाने का वो देख लें, ऊपर लकड़ी की छत है। सब हर तरफ लकड़ी लकड़ी नजर आएगी, हर तरफ लकड़ी के घर, हर तरफ जो लकड़ी के घर नजर आएंगे। ये मस्जिद देख लें, यहाँ की मस्जिद है गांव की, मस्जिद काफ़ी अच्छी बनाई हुई है और है अभी बड़ी मस्जिद, माशाल्लाह बनाई हुई है। देखें
सी मटकी बनाई हुई है मस्जिद, देख ले नीचे भी टैले वगैरह लगी हुई है, घर सारे लकड़ी के यहाँ पे, लेकिन मस्जिद माशाल्लाह जो है सी मटकी बनाई हुई है। ये देख ले छोटे बच्चे यहाँ पे गांव के, वो बैठे हुए हैं, सेम पाकिस्तान वाले हैं। हर किस्म का पौधा है यहाँ पे, हर किस्म के फूल का, हर किस्म के फल का, जिस तरह के पाकिस्तान में है कोई भी ऐसा पौधा नहीं जो मैंने यहाँ पे ना देखा हो। इस तरह जो पहले घर होते थे, इस तरह ऊपर स्टाइल होता था, वो जो ऐसे फूल दो बने हुए हैं, पहले जो पहले पहले इस तरह के घर होते थे, इस तरह वो ऊपर फूल बने होते थे हर घर के बाहर। ये देख लें रास्ते में सारे आम पड़े हुए हैं, ये देख लें बिल्कुल रास्ते में, बिल्कुल नीचे हैं ज़मीन के साथ। ये देखें, ये देखें इधर भी बिल्कुल रास्ते में है। ये आवाज़ दे रहे हैं, कह रहे हैं वीडियो बनाओ। ये देख लें इधर, ये देख लें बैठे हुए हैं। ये देखे मैं वहाँ से गुजर के आऊँ, वहाँ बच्चों का मदरसा था और ये पीछे भाग ही आए हैं, कह रहे थे वीडियो बनाओ। ये देखे मदरसे के बच्चे, इन यंग पालिंग गन तंग ना या, ये देख लें। ये देख लें बच्चे, वो भाग के आ रहे हैं काफी दूर से, वहाँ मदरसा था उनका, पढ़ रहे थे। ये देखें, ये इसी तरह देख लें घर हैं यहाँ पे सारे। सारे यहाँ पे जितने भी घर हैं सारे लकड़ी के हैं। मदरसे के बच्चे आए हैं भागे भागे, कह रहे थे वीडियो बनाओ। और देख लें उधर, छोटी सी ये देख ले मोटर लगी होती है इसमें, बाइक में ये बैठी हुई हैं छोटी बच्चियाँ। ये देख ले जूता टूट गया इसका ना, वही कैंची जूती वाला सीन ना जो पाकिस्तान वाला है। ये देख ले, इन्हीं पालेंगे अंत में। समोआ गंतंग तब ही नहीं पालेंगे गंतंग तो। बच्चे यहाँ पर जहाँ मिल जाएं फिर जान नहीं छोड़ते, पीछे पीछे रहते हैं। इस तरह का गांव होता है और इस तरह के लोग हैं, इस तरह के बच्चे हैं और इस तरह के घर हैं। ये सारे जितने भी घर हैं इसी तरह सड़क के किनारे पे होते हैं, पीछे कोई नहीं होता, पीछे सुनसान होते हैं। जहाँ भी मैं गया हूँ सारे गाँव के घर इसी तरह सड़क के किनारे पे हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।